बात है, मैंने कोतवाल साहब को उसी समय कप्तान साहब को फोन किए, एसओ साहब पहुंचे हुए थे पिनोनी में, वहां पे एक लड़का खत्म हो गया था, उसकी दुर्घटना हो गई वहां पर, वो आए नहीं। फिर मैंने उनको किया कप्तान साहब को फोन, कप्तान साहब ने उसको फोन किया, उस समय कोई भी पुलिस वाला नहीं पहुंच पाया। करीब आधे पौन घंटे बाद दो पुलिस वाले पहुंचे, तब तक सब रफे दफे हो गई। मैंने अपना बेटा बुला लिया और बेटा बुलाने के बाद तब वहां पे जो है कुछ लोग अड़ोसी पड़ोसी आए और उन्होंने मेरा वो करा, तब वो भागे वहां से। फिर मैंने कोतवाल साहब से कहा ऐसा ऐसा घटना हुई है, कोतवाल साहब बोले कि अच्छा हुई है, तो उन्होंने मेरी कोई तहरीर जिस हिसाब से मैं देनी चाह रहा था वो तहरीर नहीं ली, अपने हिसाब से लिखवाई, जो कि घर में घुस के मारा, धाराएं बनती हैं कुछ नहीं, वो तहरीर मैं आपको दिखाऊंगा। फिर मैंने अध्यक्ष जी से कहा, यहाँ के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं राजीव कुमार गुप्ता जी, उनसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा ऐसा सा बात मुझे मारा है, ऐसा सा मेरी बेइज्जती की है बहुत, तब उन्होंने कोतवाल को फोन कराया, तब कोतवाल साहब ने FIR लिखी है और कह रहे हैं आओ हम बाद में लिख लेंगे FIR। अब मैं ये चाहता हूँ इन लोगों को दोषियों की सजा से कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, जो कि एक मुझे मुस्लिम को देखते हुए भाजपा में इन लोगों ने अगर मुझ पर मारने की धमकी दे के गए कि तुझे हम मार देंगे 8 दिन में, आज भी मेरा पीछे पीछे कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ से CO साहब को शिकायत करी है कि वो गाड़ी मेरे आगे पीछे घूम रही है और उनके लड़के भी हैं 4-5 और वो मारने को घूम रहे हैं, जो कि ये कांस्टेबल भी है मेरे साथ में, बड़ी मुश्किल से भागे, मैंने उसे शिकायत करी है, जब वो मुझे मारना चाहते हैं, अगर मैं मारा गया तो इन्हीं की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मुझे मारने को घूम रहे हैं, ये जान से मारने को, और आज भी पीछा कर रहे हैं मेरा ये।